नमस्कार। आज हम आपको गुरुद्वारा बंगला साहिब का सैर करवाने वाले हैं। तो ये दिल्ली कनॉट प्लेस के पास पड़ता है। तो यहाँ आने के बाद इतना सुकून मिलता है कि क्या बताऊँ। तो ये देखिए, हम गुरुद्वारा के अंदर आ चुके हैं और अब हम यहाँ अपने जूते और चप्पल यहाँ पे जमा करेंगे और फिर चलेंगे हम गुरुद्वारा के अंदर। तो बिल्कुल ये फ्री है, आप यहाँ पर जमा करके और फिर एक टोकन लेकर अंदर जा सकते हो। गुरुद्वारा के अंदर प्रांगण में प्रवेश करने से पहले आपको अपने बालों को अच्छे से रुमाल से कवर करना होता है, तो ये ज़रूर कवर कर ले। और यहाँ से हम अब अंदर चलते हैं, ये जो गुरुद्वारा है। और यहाँ संडे को कुछ ज़्यादा ही भीड़ होता है। और ये देखिए, इसके अंदर हम अब वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रॉपर निर्देश भी दिया हुआ है। तो चलिए, अब हम गुरुद्वारा के बाहर आ चुके हैं और हम आपको पूरा बाहर का व्यू दिखाते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप छोटे हो या बड़े हो, आपके साथ कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा। आप गरीब हो, अमीर हो, सब यहाँ एक बराबर ट्रीट किया जाता है। तो चलिए, अब हम लेते हैं यहाँ से प्रसाद, जो कि प्रॉपर देसी घी का और बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं निशान साहब, जिनके मदद से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ आसपास गुरुद्वारा है। गाइस, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं लंगर की तरफ। और लंगर का भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि आप अपने उंगलियां चाटते रह जाओगे। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेली 25,000 से 30,000 लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है इस लंगर में, जो कि अपने में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। काश ऐसा हमारे सारे मंदिरों में हो पाता, तो देश में किसी को भी भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, लंगर का जो ये प्रसाद है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। कभी आपको कढ़ी चावल, तो कभी खीर, तो कभी हलवा, डिपेंड करता है आप किस दिन आते हो, उसके अनुसार आपको लंगर में अलग अलग तरह की वैरायटी मिलेगी। तो गाइज, हमने यहाँ पे लंगर कर लिया है और बहुत ही स्वादिष्ट है। आप ज़रूर एक बार आए और यहाँ का लंगर तो ज़रूर ही करें, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। और ये देखिए, यहाँ कितना क्राउड है। संडे को तो स्पेशली बहुत क्राउड होता है। यहाँ से आप अपने सर ढकने के लिए ले सकते हो कपड़े और वापस यहीं रख सकते हो। तो अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और ये देखिए, ये है मेन गेट गुरुद्वारा बंगला साहिब का, और यहीं से आप एंट्री कर सकते हो। तो हमने यहाँ से बाहर हो लिया, अब हम वापस जहाँ से जूते जमा किए वहाँ से जूते लेते हैं। और गाइस, ये देखिए, यहाँ गुरुद्वारा बंगला साहिब का इतिहास है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। टोटल यहाँ हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो आप यहाँ से पढ़ें और हम इस तरीके से अब बाहर निकलते हैं। दोस्तों, एक चीज़ बहुत ही गौर करने वाली बात मैं बता रहा हूँ। लगभग मैंने बहुत सारे मंदिरों में घूमा, लाइक वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, बालाजी टेम्पल, रामेश्वरम। वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ मांगने वालों की बहुत ही लंबी कतार होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।